लिव ऑन द सीशोर, वो एनिमल्स जो कि समुद्र के किनारे पर रहते हैं, ठीक है। सी वॉर्म्स, सी क्यूकंबर, रिवर क्लेम्स एंड क्रैब्स लिव ऑन द सीशोर, ये सारे वो एनिमल्स है जो कि समुद्र के किनारे पर रहते हैं। ओके बेटा, एट लो टाइड वी कैन सी थाउजेंड्स ऑफ क्रैब्स कमिंग आउट ऑफ देयर होल्स एंड अपीयर अबव द सैंड। जब बेटा कम बहाव होता है ना समुद्र का, जब ज्यादा पानी उफनता नहीं है, उस वक्त हम देख सकते हैं हजारों की संख्या में केकड़े जो होते हैं, जो क्रैब्स होते हैं, वो अपने होल्स में से निकल के बाहर आ जाते हैं और हम उनको मिट्टी के ऊपर देख सकते हैं उनको। एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड नॉक्टुरल एनिमल्स, ठीक है। वो एनिमल्स जो कि रात में एक्टिव होते हैं, दिन में एक्टिव नहीं होते हैं, वे दिन में सोते हैं और रात में वो अपना भोजन ढूंढने निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं बेटा, नॉक्टुरल एनिमल्स। ओके, लाइक आउल आपने देखा होगा, वो कैसा एनिमल होता है, वो रात में जगता है और दिन में सोता है ना। दे कैन सी वेरी वेल इन द डार्क, अंधेरे में भी वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। हैमस्टर्स एंड जूनियर पिग्स आर नॉक्टुरल इन हैबिट, ये जो दो एनिमल्स होते हैं वो बाय हैबिट कैसे होते हैं, नॉक्टुरल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि वो रात में देख सकते हैं बहुत अच्छे से। दे स्टे इन देयर बरोज ड्यूरिंग द डे, और दिन में वो अपने बिलों में छुपे हुए होते हैं, ठीक है। आउल्स एंड बैट्स टू कम आउट एट नाइट, आई हैव टोल्ड यू ना, आउल्स एंड बैट्स, बैट्स क्या होते हैं बेटा, चमगादड़, ठीक है। उल्लू और चमगादड़ जो होते हैं वो रात में बाहर निकलते हैं। अर्थवॉर्म्स लिव अंडर द ग्राउंड, अर्थवॉर्म्स जमीन के अंदर रहते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर रहते हैं वे। दे कम टू द सरफेस एट नाइट टू ईट, और वो रात को सरफेस पर आते हैं खाना ढूंढने के लिए, खाना खाने के लिए, ठीक है बेटा। मॉथ्स टू कम आउट एट नाइट टू फीड, एक मॉथ्स क्या होते हैं, पतंगे, आपने देखे पतंगे, जो इनमें ज्यादा जान होती नहीं है, बस उड़ते उड़ते वो मर जाते हैं। मॉथ्स टू कम आउट एट नाइट टू फीड, वो भी रात में ही निकलते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है बेटा। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, नाउ वी विल प्रोसीड टू वर्कशीट। ओके, स्टार्ट करें वर्कशीट, चलिए ओपन योर नोटबुक। ओपन योर नोटबुक, स्टार्ट राइटिंग चैप्टर नंबर 4। डे इज फ्राइडे, ओके, एंड आर यू रेडी बेटा, और यू बेटा कहां गए, राइट बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन,
फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज विच ऑफ दिस Which of these do we find near our homes? Okay. So this question is saying that which of the these do we find near our house? इनमें से कौन से हमें हमारे घर के पास में मिलते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है? कौन से इनमें से हमारे घर के पास पाए जाते हैं? So first option is spiders, spiders. Second, birds. Third option is ants, and the last option is all of these. So tell me, which will be right answer? Spiders, birds, ants, or all of these? Which fourth question, beta? We are studying EVS. Khushi Yadav, where are you lost? ठीक है, हमने वो चैप्टर फिनिश आज ही किया है बेटा, और हमने स्टार्ट की है आज की वर्कशीट. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस विल बी राइट आंसर. ओके, टिक हियर. लास्ट ऑप्शन बी क्वेश्चन इज विच of this, इनमें से कौन सा is an amphibian? Okay. तो इनमें से कौन सा एम्फीबियन है? मैंने आपको अभी बताया था एम्फीबियन क्या होते हैं, उभयचर जो कि जमीन पर, पानी पर, दोनों पर रह सकते हैं. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज टाइगर, और सेकेंड ऑप्शन इज डॉग, थर्ड ऑप्शन इज फ्रॉग, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस. बताइए बेटा, एम्फीबियन एनिमल्स, frog, right answer. Right answer will be frog.
एक फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो कहाँ रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, हनी बीज लिव इन हनी बीज रहती है कहाँ रहती है? मैंने बताया था बेटा आपको, सो फर्स्ट ऑप्शन इज बीहाइव्स और फर्स्ट ऑप्शन इज बीहाइव्स, सेकंड ऑप्शन इज माउंट्स ऑफ सॉइल, ओके, एंड थर्ड ऑप्शन इज नेस्ट, थर्ड ऑप्शन इज नेस्ट एंड द लास्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाटर। नाउ टेल मी, वेरी गुड कनिका, यू हैव गिवन राइट आंसर, वेल डन बेटा, बीहाइव्स विल बी राइट आंसर। ओके, बीहाइव्स क्या होता है? मधुमक्खियों का छत्ता जहां पर वो रहती है। हाँ ए, ठीक है शिव कुमार, गुड बेटा। नाउ डी, फटाफट से राइट करिए। वो रूम खुला तो छोड़कर नहीं आई, चेक करके आओ वापस आ फटाफट। कौन सा रूम? अपना रूम, उसमें दूध रखा हुआ है। अरे नहीं, खुला नहीं है, बंद है। पक्का? पक्का। क्या मालूम, देख के आ जाता, फूटी आ रही है। एंड एनिमल्स that lives in abandoned and hills is तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एंड एनिमल्स दैट लिव्स इन अबैंडेंट एंट हिल्स, वो एनिमल कौन सा है जो कि दूसरों के छोड़े हुए घरों में रहता है? ठीक है बेटा, मैंने बताया था आपको अबैंडेंट क्या होता है, छोड़ा हुआ है ना। फर्स्ट
स्नैक सेकंड बैट थर्ड ऑप्शन स्क्वेल एंड द लास्ट ऑप्शन फिश. दूसरों के छोड़े हुए एंट हिल में कौन रहता है बेटा? स्नैक. ठीक है, जो चींटियों के घरोंदे होते हैं, जो उनके छोड़ दिए हुए होते हैं घरोंदे, उनमें जाकर के स्नैक रहता है. ठीक है, हैव यू रिटर्न? राइट हो गया ना बेटा? समझ में आ रहा है ना बेटा? डू फास्ट देन वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज नंबर सेकेंड. फिल इन द ब्लैंक्स. स्टार्ट राइटिंग. Fill in the blanks. So we have to fill the blanks. Our first question is, termites termites and ants live in रहते हैं. अब termites और ant कहाँ रहती है बेटा? कहाँ रहती है? पेज नंबर 24 शिवकुमार. पेज नंबर 24 ठीक है, एंट हिल्स में रहती है. कहाँ रहती है बेटा? एंट हील्स. नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनिमल्स आर फाउंड एनिमल्स आर फाउंड हाँ क्या आएगा इसमें एनिमल्स पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं बेटा कहाँ पाए जाते हैं एनिमल्स एवरीवेयर हर जगह एनिमल्स पाए जाते हैं हर जगह ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए अब डी डैश मेक्स A nest with twigs and grass. बताइए क्या आएगा यहाँ पर ये बनाती है अपना घोंसला टहनियों से और ग्रास से क्या आएगा इसमें बर्ड्स बर्ड्स कौन सी बर्ड्स वीवर बर्ड आएगा इसमें द वीवर बर्ड मेक्स अ नेस्ट विद ट्विग्स एंड ग्रास ओके क्वेश्चन नंबर डी एनिमल्स विच लिव On land are called animals जो कि लैंड पर रहते हैं वे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा क्या कहलाते हैं terrestrial टेरेस्ट्रियल ठीक है
डन। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। फिश डैश ऑक्सीजन फ्रॉम द water through dash क्या आएगा बेटा इसमें? fish breathe इन ऑक्सीजन फ्रॉम द वॉटर थ्रू देयर गिल्स। ओके बेटा आज के लिए बस इतना ही। नाउ राइट योर होमवर्क। लर्न एंड राइट CW। Okay, if you have not done, please take a screenshot of this. Your class is just going to over. Quickly take a screenshot of this. Okay, beta. Thank you. Have a nice day.